हेलो एवरीवन, क्वांटम कंप्यूटिंग 101 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डायरेक्ट नोटेशन के बारे में जानेंगे। तो उसे समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेसिस समझते हैं। तो जैसा अगर हम लेफ्ट साइड में देखें, ये मान लीजिए एक यूक्लिडियन 2D स्पेस है जिसमें एक पोजीशन है और ये पोजीशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है आर वेक्टर्स। तो इस पोजीशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें विथ ओरिजिन ओ और एक्स और वाई एक्सिस। तो एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट के लिए हम देखेंगे कि एक्स में ए यूनिट्स और वाई में बी यूनिट्स मूव करेंगे तो हमें ये वेक्टर मिल जाता है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, आर ए प्लस बी जे, आर ए आई प्लस बी जे। क्या तो आई और जे जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। बट अगर हम दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें ग्रीन कलर का, जिसका ओरिजिन ओ डैश हो और वो थोड़ा टिल्टेड हो, तो हम सेम पोजीशन आर को रिप्रेजेंट करने के लिए सी यूनिट्स एक्स डैश में मूव कर रहे हैं और डी यूनिट्स वाई डैश में मूव कर रहे हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो मेनली ये अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से हमारा जो कोएफिशिएंट्स है यूनिट वेक्टर्स का वो डिफरेंट है, सेम नहीं। तो अब हम चाहें तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते, बट अभी हम उसको नहीं देखेंगे कैसे करना है। उसके लिए अगर आप देखना चाहें तो दो यूट्यूब चैनल्स हैं, एक 3Blue1Brown यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको लीनियर अलजेब्रा की सीरीज मिल जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिस में कन्वर्जन कैसे होता है। और दूसरा चैनल एक लुकिंग ग्लास यूनिवर्स, वहाँ पे आप इसे डिटेल्स में देख सकते हैं। तो अभी इस सेम वेक्टर को हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करना चाहें एज अ कॉलम वेक्टर, तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर को रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट एंट्री ऑफ जो रहेगा वो फर्स्ट कोएफिशिएंट होगा पहले यूनिट वेक्टर का, और दूसरा बी होगा यहाँ पर एंट्री। सिमिलरली इस केस में सी और डी। तो अगर हम कॉलम में रिप्रेजेंट करें तो इसलिए हमें यहाँ पे ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो बेसिस वेक्टर्स है वो आई और जे है इस केस में, येलो वाले केस में, और आई डैश जे डैश है ग्रीन वाले केस में। तो हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी इन दी येलो बेसिस एंड सी डी इन दी ग्रीन बेसिस। सो हम बेसिस के बारे में इसलिए जान रहे थे क्योंकि आगे हम हमारे स्टेट्स को एज अ कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कॉलम वेक्टर किस बेसिस में है वो जानना ज़रूरी रहता है। तो क्यूबिट्स को तीन बेसिस में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स वाई एंड जेड बेसिस, बट मोस्टली हम जेड बेसिस में ही डील करते हैं। और आगे के वीडियोस में मैं जनरली जेड बेसिस में ही उसे रखूँगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थोड़ा डायरेक्ट नोटेशन पर जंप करते हैं। डायरेक्ट नोटेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रैकेट नोटेशन। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर आर है। इस बार आर वेक्टर जो है वो लाई करता है कॉम्प्लेक्स स्पेस में, और वो कॉम्प्लेक्स स्पेस इसलिए है क्योंकि हमारे पास बेसिस जो ये जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी डी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एंड वी वन वी टू वी थ्री वी फोर बेसिस वेक्टर्स हैं उस फोर डायमेंशनल स्पेस का। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें एज अ कॉलम तो हम एक कैट रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम वेक्टर का नाम लिखेंगे और फिर राइट साइड में एक एंगुलर ब्रैकेट और लेफ्ट साइड में एक पाइप दे देंगे, और जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे बेसिस वेक्टर्स के उनको यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज स्केट रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन होता है ब्रा रिप्रेजेंटेशन। ब्रा रिप्रेजेंटेशन इज एक्चुअली
कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ केट वेक्टर। तो कंजुगेट ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, वो लिखा जाए तो ये हमारा आर केट वेक्टर था, उसके ऊपर ऐसा कुछ प्लस जैसा सिंबल जो है उसको कहते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज। कंजुगेट ट्रांसपोज इक्विवेलेंट है कि पहले हमने आर वेक्टर का कंजुगेट लिया, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, या फिर हमने आर वेक्टर का पहले ट्रांसपोज किया फिर उसका कंजुगेट ले लिया। तो अगर आप देखें तो इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे आर वेक्टर हमारा ए बी सी डी एंट्रीज था एज अ कॉलम वेक्टर, उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं पहले फिर कंजुगेट करेंगे। तो ट्रांसपोज लेने पे ये जो वेक्टर है हमारा कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर रो का जब हम कंजुगेट लेते हैं तो कंजुगेट हमारा सारे कोएफिशिएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कंजुगेट एक्चुअली क्या था, वो आप बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर कोर्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक रिप्रेजेंटेशन है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का विथ एक्स प्लस आई वाई, तो जेड कंजुगेट जो होता है वो यहाँ पे हम जो इमेजिनरी नंबर के पहले वाला सिंबल है उसको निगेट कर देते हैं, यानी प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। और जब हम उस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें उसका मॉडुलस मिलता है, जेड मॉड स्क्वायर या लेंथ मिलता है। तो सेम केस यहाँ पे कंजुगेट का मतलब वही है कि हम इमेजिनरी नंबर के पहले वाले साइन को चेंज करते रहे। सो दिस इज अबाउट ब्रा रिप्रेजेंटेशन। मूविंग फॉरवर्ड, हमें जो वेक्टर्स हैं उनका हम तीन तरह का प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज नोन एज इनर प्रोडक्ट, सेकेंड इज आउटर, और थर्ड वन टेंसर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट का अगर एग्जांपल ले तो हम एक ए कैट ले रहे हैं और बी कैट ले रहे हैं, और अभी मान लेते हैं कि ये टू डायमेंशनल वेक्टर्स है, यानी कि टू ही एंट्रीज है कॉलम में। तो अगर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें तो इनर प्रोडक्ट में हम पहले क्या करते हैं, कैट ऑफ ए एंड ब्रा ऑफ बी कर देते हैं। तो फिर हमें जब कैट करें तो कुछ ऐसा एंट्रीज मिलेगा ए का एंड बी का एंट्रीज एज इट इज, सॉरी ए का ब्रा रिप्रेजेंटेशन एंड बी का कैट रिप्रेजेंटेशन। तो बी एज इट इज रह गया और ए जो है वो कंजुगेट ट्रांसपोज हो गया। एंड जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जनरली इस डायरेक्शन में किया करते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। और ये देख सकते हैं कि एक नंबर है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी भले कॉम्प्लेक्स होगा बट स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी हम इनर प्रोडक्ट करते हैं हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। एंड इनर प्रोडक्ट को जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनर प्रोडक्ट विथ बी, यानी कि ये जो डबल पाइप्स है उसको सिंगल पाइप में ही लिख दिया। सेम अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या किया है कि वो वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करा दिया, ए वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट जो है ब्रा रिप्रेजेंटेशन से हमें यहाँ पे मिला ए वन स्टार ए टू स्टार, एंड कैट ऑफ ए सेम ही रहता है ए वन ए टू एज अ कॉलम। जब इसका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो मूविंग फॉरवर्ड हमें मिलेगा आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम पहले कैट लेते हैं, कैट ऑफ ए एंड देन ब्रा रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी। तो ए एज अ कॉलम वेक्टर रह जाएगा और बी जो है वो कंजुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा। और हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल्स का इस्तेमाल करें तो हमें 2x2 मैट्रिक्स आउटपुट मिलता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आउटर प्रोडक्ट में हमें स्केलर वैल्यू नहीं बल्कि एक मैट्रिक्स एज आउट मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें टेंसर प्रोडक्ट के बारे में, तो टेंसर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ए
टेंसर्ड विथ बी, या फिर कई जगह इसे ऐसा लिख देते हैं, टेंसर का सिंबल हटा देते हैं, या मोस्ट प्लेसेस में हम ऐसा देखेंगे कि ए और बी को एक साथ लिख दिए। इसका भी मतलब हुआ कि ए को बी के साथ टेंसर प्रोडक्ट करना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर जो है हमारा ए, उसकी एंट्रीज को लिख लेते हैं, उसके कोफिशियंट्स को ए वन एंड ए टू, एंड देन बी वेक्टर लेंगे और उसको रिपीट कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे ए वन एंड ए टू से। तो जब ए वन बी वन और बी टू से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें ए वन बी वन ए वन बी टू मिलेगा, एंड ए टू जब बी वन और बी टू से मल्टीप्लाइड होगा तो ए टू बी वन और ए टू बी टू मिलेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम क्यों ना ऐसा भी कोई मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर दे, बट दिस इज इनवैलिड। ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस के रूल्स में जाएंगे और इसको एज अ कंजुगेट ट्रांसपोज लिख कर देखेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज इनवैलिड। नेक्स्ट, तो अब हम कुछ कॉमन सिंगल क्यूबिट स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, जो हमने पहले भी देखा था। तो अगर जीरो स्टेट लेते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। पहला एंट्री हमारा रो का वन होगा, सेकंड एंट्री जीरो, एंड वन ले तो यहाँ पर वन हो जाता है एंड जीरो यहाँ पे, वन कैट का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। और अगर एक कन्वेंशनली यूज प्लस कैट सिंबल देखें तो इसका मतलब हो जाता है कि 1/√2 × 0 प्लस 1/√2 × 1, ये इक्विवेलेंट है अगर हम 1/√2 × 0 करें एंड 1/√2 × 1 करें, यानी जीरो स्टेट पर हेड मार्ट गेट लगा दिया हो तो इक्वल सुपरपोजिशन ऑफ 0 एंड 1 मिल जाता है। 0 और 1 को रिप्लेस कर दें हम उनके कॉलम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से और ऐड करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। फिर 1/√2 कॉमन ले ले तो हमें ऐसा मिलेगा। सो प्लस इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। सिमिलरली माइनस का रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। और दो और रिप्रेजेंटेशंस है, वो है आई, जहाँ पर हमारे ये कोफिशियंट जो है वो इमेजिनरी नंबर है, वेर आई इज √-1। और माइनस आई का रिप्रेजेंटेशन देखें तो बस यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता है। तो इसको अगर कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहे तो 1/√2 × 1 एंड माइनस आई ऐसा लिख सकते। तो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ जो पहले रोज में सारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस है इनर प्रोडक्ट्स के, सेकंड रोज में जो सारे क्वेश्चन है वो आउटर प्रोडक्ट के, थर्ड रोज में जो सारे क्वेश्चन है वो टेंसर प्रोडक्ट्स के, और फोर्थ रो में भी टेंसर प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे तीन एंट्रीज है वेक्टर्स की, यानी वन टेंसर्ड विथ 0, टेंसर्ड विथ 1 ऐसा है अगर इसको देखा जाए तो। तो इसको ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में भी लिखिएगा, और अगर आपको कोई पैटर्न ऑब्जर्व होता है इनके आंसर्स में तो उसे भी कमेंट्स में बताइए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल से जुड़े।